अगर मैं cos x को t लेता तो cos x को t लेने से मेरे पास आ जाता माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू cos x को t लेकर भी बड़ा दिक्कत ही आती। cos x को t लेकर लेकिन मेरे पास ये साइन इनवर्स t बन जाता भाई, ये साइन इनवर्स t बन जाता। सर जैसे अगर 1 मिनट जो उसको cos x को t ले लिया तो ये मेरे पास आ जाता माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो फिर ये वाली प्रॉब्लम आती है कि माइनस साइन एक्स का मैं क्या करता। इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन में मुझे कुछ ऐसा देखना है कि सर जो टर्म ऐसे कर सकते थे कि वो मतलब जैसे cos x इज इक्वल्स टू t था, इसका होल स्क्वायर कर देते दोनों तरफ, तो क्या हाँ कहते हैं 1 माइनस t² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर आ जाता, हाँ तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं डिफरेंशिएट लेकिन कर साइन देते इनवर्स कि उस केस में भी ना, मैं बताऊँ उसको, उस केस में भी साइन इनवर्स नहीं हट पाता, क्योंकि साइन इनवर्स को हटाने के लिए मुझे साइन वाली टर्म चाहिए यहाँ पर, है ना। एक बार ट्राई करना, एक नहीं बार सर ट्राई उसमें करना। जैसे साइन इनवर्स आ जाता उसका डिफरेंशियल भी तो आ जाता 1/√1 - t², जैसे मैं आपसे कह रही हूँ उसमें जैसे cos x is equal to t है, तो इसका cos होल x स्क्वायर इक्वल कर टू दें। t है ना, तो यहां से क्या होता कि यहां से मैं ये कह रहा था कि अरे sin मम्मा x, सुनो मेरी बात, जब sin x है तो sin x क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस cos स्क्वायर x, तो sin x हो जाता है अंडर रूट वन माइनस t स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस sin x dx ये हो जाता है माइनस अंडर रूट वन माइनस t स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाता, माइनस dt अपॉन अंडर रूट वन माइनस t स्क्वायर, ये बोल रहे हैं dx तो ये हो जाता। लेकिन जब मैं इंटीग्रल निकालता ना, आ सर, स्क्रीन चली गई, अब आ गई। जाएगा पूरा, आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, और cos x को मैंने माना था t, तो साइन इनवर्स t और माइनस dt अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, माइनस ले लो कॉमन, सही कह रहे हो, जाएगा माइनस साइन, माइनस बाहर ले लिया साइन इनवर्स टी और अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर। अब मुझे क्या करना होगा ना, अब मुझे एक बार और मुझे अज्यूम करना होगा, अब मैं साइन इनवर्स टी को कुछ मान लूंगा, यू मान लूंगा, चलो लेट, मतलब 2 बार हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा सक करके कर यस सकते हैं ना यस इसको, हाँ, कर सकते हैं, ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है, लेंदी लेकिन लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, वो पहले पड़ वाला जाएगा, शॉर्ट था। हाँ ठीक है लेंदी ओके पड़ सर। जाएगा। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब कॉस टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स की जगह मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और ये डीएक्स। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे cos square x माइनस sin square x है, तो इसमें a square माइनस b square का फॉर्मूला लगा दो, a plus b into a minus b, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x plus sin x into cos x minus sin x upon cos x plus sin x का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक, समझ में आ गया,
cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इनटू a माइनस b, आइडेंटिटी लगा दी, cos x प्लस sin x से एक cos x प्लस sin x कैंसिल आउट हो गया और फिर ये वाला खत्म हो गया, तो cos x माइनस sin x क्या बचा हमारे पास, ये इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। और आप खुद सोच लीजिए कि cos x का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशियल क्या होगा प्लस cos x, तो बस डिनोमिनेटर को आप t के बराबर एज्यूम कर लीजिए, लेट cos x plus sin x is equal to t, differentiate both sides with respect to x, so cos x का differential हो गया minus sin x और sin x का differential हो गया plus cos x is equal to dt by dx, minus sin x plus cos x क्या हो गया cos x minus sin x dx को इधर ले आओ is equal to dt, ये हो गया cos x minus sin x dx, ये हो गया dt के बराबर, तो I is equal to integration, ये पूरा का पूरा हो गया dt upon denominator में cos x plus sin x, ये क्या था t, dt by t क्या होता है इसका integration बताइए sir, log t, log t प्लस सी मॉड पी प्लस सी है ना, तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर मुझे कहीं पर भी कोई टर्म मल्टीप्लाई या डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ना करनी पड़े, मुझे बिल्कुल सीधा सीधा अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में मिल रहा हो, देखो डिनोमिनेटर है ना cos x plus sin x, और इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा हो, मतलब ये log mod t है ना, अब t की वैल्यू क्या हो गई log mod t, क्या था डिनोमिनेटर को t लिया था मैंने, तो log mod cos x plus sin x plus c, तो आप नोट करके लिखिएगा यहां पर, नोट करके लिखे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f dash x upon fx dx is equal to log mod fx plus c, log mod fx plus c, so f dash x numerator mein bata do ek minute ruke, अगर कभी भी किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में एग्जैक्टली उसका डिफरेंशियल दे रखा हो, तो मुझे कोई अज्यूम करने की, ये जो मैंने अज्यूम करके इतनी लंबी कहानी लिखी है ना, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं यहीं से सीधा ये आंसर लिखता, मैं यहाँ के बाद मैं सीधा ये लिखता और उसके बाद फिर मैं ये फॉर्मूला लिख देता बिकॉज करके, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स is equal to log mod fx plus c, बताइए क्लियर है सब बच्चों को, ये जब भी कभी सर हम ये डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते ना, क्या ये हम डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला लिख के यूज तो नहीं कर सकते, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अच्छा ठीक है सर, कि यहां के बाद आप सीधा ये लिखेंगे आंसर, ये पूरी कहानी नहीं लिखनी है, यहां के बाद सीधा ये आंसर लिखेंगे, बिकॉज़ यू नो दैट कि डिनोमिनेटर में मेरे पास फंक्शन है fx और न्यूमरेटर में मेरे पास डिफरेंशियल है यानी कि f'x, तो आप यहां के बाद सीधा ये लिखेंगे और ये लिखने के बाद ये रीजन जरूर लिखेंगे, रीजन में ये लिखेंगे ब्रैकेट में करके ये करके लिखेंगे, बिकॉज़ इंटीग्रेशन ऑफ f'x अपॉन f(x) dx इज इक्वल टू log mod f(x) plus c, समझ गए सभी बच्चे, यस सर, यस, देखिए मैंने लास्ट के क्वेश्चंस करे हैं एक्सरसाइज 7.3 के, शुरुआत के जो 19 क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करिएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो बताइएगा मुझे, ठीक है सर, ये जो आपने नोट करके लिखा है ये वैसे एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है देख कर बताता हूँ भाई, मुझे पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये फॉर्मूला है, ये देखना पड़ेगा,
मतलब अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो डाउट कर रहे हो उस पर, रुक जाओगे? अरे नहीं सर, मैंने जस्ट आप उसको भावुक होके क्यों ले रहे हो, मैंने तो उसको जस्ट पूछ लिया नहीं 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 कि बताओ वैसे बताओ एक, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन पेज नंबर 304 पे भी दे रखा था इसलिए मैंने पूछा था। हाँ 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 ठीक है मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, शायद हो सकता है इसमें ना दे रखा हो, पर पूरी तरह से ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है वो बताने की ना, मतलब पूरा करने की, ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ना अब आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, उन क्वेश्चन में अगर आप सब्सटीट्यूट करने बैठ गए तो वो क्वेश्चन अननेसेसरीली लेंथी 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 होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें बेटा देरी रखा है, लेकिन पूरी तरह से 101% में शुरू हूँ, चिंता मत करो, सीधा यहाँ से आप यहाँ लिख सकते हो। नहीं सर वो तो यकीन है, बस मुझे यही था कि कई बार स्टेप्स की टीचर काट लेती है ना नंबर, नहीं, नहीं, इसलिए। नहीं, इस चीज के नहीं कटेंगे, इस चीज के नहीं कटेंगे, ये करने के बाद में ना ये लिखो और उसके बाद ये रीजन लिख देना, ये रीजन लिख देना, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें दे क्यों नहीं रखा, ठीक है सर, ठीक है। चलिए जी ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही, आप शुरुआत के जो 19 क्वेश्चंस है ना वो करना भाई, एक्सरसाइज 7.3 के 19 क्वेश्चंस। सर वो ट्रिग्नोमेट्री का वैसे देख के बता दीजिएगा, इनवर्स ट्रिगो का। मेरे को मैसेज कर देना, मैं ना रात तक क्लास चलेगी मैं भूल जाऊंगा, तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है सर, मैं देख के बता दूंगा पक्का। थैंक यू सर, बाय सर। ओके थैंक यू सर, बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, ओके भाई।